तो आज ये पार्ट टू है हमारा। इससे पहले हम 20 क्वेश्चंस आपको करा चुके हैं, आज 21 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द, विलियम शेक्सपियर जो थे आपके कौन से एज से बिलोंग करते थे? तो ये आपके एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे विलियम शेक्सपियर, और TGT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। देखिए इसके कुछ फैक्ट्स, विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज, जो विलियम शेक्सपियर थे वो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे। दिस एज इज़ रिमेम्बर्ड एज द टाइम ऑफ ए ग्रेट वेव ऑफ इंग्लिश नेशनलिज्म, और जो ये एज थी इसको इंग्लिश नेशनलिज्म का एक ग्रेट वेव यानी कि बहुत बड़ी उस टाइम जो लहर थी वो चली हुई थी। ओके, द रेनेसा इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जो रेनेसा था कोइंसाइडेड विद द रेन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, हु वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड फ्रॉम 1558 अंटिल 1603-50। जो रेनेसा था वो इंग्लैंड में कोइंसाइडेड हुआ था एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल से, और जो इंग्लैंड और आयरलैंड की रानी थी ये 1558 से 1603 से 50 तक, 1558 में बनी थी वहाँ की महारानी और फिर 1650 तक रही। इट इज़ ओफन रेफर टू एलिजाबेथन एज और पीरियड, और ये जो है अक्सर रेफर किया जाता है एलिजाबेथन एज और पीरियड से। द आर्ट फ्लोरिस्ट अंडर एलिजाबेथ फर्स्ट, जो आर्ट था वो एलिजाबेथ फर्स्ट के अंडर फ्लोरिश हुआ। हर पर्सनल लव फॉर पोएट्री म्यूजिक एंड ड्रामा हेल्प्ड टू एस्टेब्लिश ए क्लाइमेट इन विच इट वॉज फैशनेबल फॉर द वेल्दी मेम्बर्स ऑफ द कोर्ट, और जो आर्ट था एलिजाबेथ फर्स्ट के अंडर ही फ्लोरिश हुआ है, इनके फला फूला। उनका जो व्यक्तिगत लव था, पर्सनल लव था फॉर पोएट्री के लिए, म्यूजिक और ड्रामा के लिए, उसने हेल्प किया इसको एस्टेब्लिश यानी कि स्थापित करने के लिए एक क्लाइमेट वहाँ पर, इन विच जिसमें इट वॉज फैशनेबल फॉर द वेल्दी मेम्बर्स फॉर ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट के वेल्दी मेम्बर्स यानी कि जो रिची मेम्बर्स थे वहाँ के उनके लिए ये फैशनेबल था। शेक्सपियर वॉज नोन एज द बेस्ट प्ले राइट्स ड्यूरिंग दिस एज, और शेक्सपियर इस एज के बेस्ट प्ले राइट्स के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज कैन नॉट विदर हर नोर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी। 22 क्वेश्चन हैं, ये भी आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है, हम आपको सारे प्रीवियस ईयर्स वाले ही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आज तक पूछे गए हैं आपसे और रिपीट होते रहते हैं हर एग्ज़ाम में। तो जो ये लाइनें हैं आपकी एंटोनियन क्लियोपेट्रा से ली गई हैं, एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इन्फिनिटिव वैरायटी इज द कोटेशन बिलोंग टू एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। इस ये जो लाइनें हैं आपकी कोटेशन दी गई है ये एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से बिलोंग करती है। सम अदर फैक्ट्स देखिए, मैकबेथ अनफोल्ड्स इन स्कॉटलैंड एंड हेमलेट इन डेनमार्क्स एल्सनोर कैसल। मैकबेथ जो है वो स्कॉटलैंड में अनफोल्ड होता है, और हेमलेट का जो सेटिंग होती है वो डेनमार्क के एल्सनोर कैसल में होती है। एल्सिनोर का जो कैसल यानी कि दुर्ग या महल जिसको बोलते हैं उसमें। एंटोनियन क्लियोपेट्रा टेक्स द ऑडियंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द मेडिटेरियन सी टू द अदर इन द कोर्स ऑफ सीन चेंज। नेक्स्ट, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन इज टेकन फ्रॉम फ्रेलिटी। फ्रेलिटी बोलते हैं कमजोरी यानी कि किसी की चारित्रिक कमजोरी जो होती है, जो चरित्रहीन होता है उसको बोलते हैं फ्रेलिटी। दाई नेम इज वुमन इज टेकन फ्रॉम, ये आपको बताना है कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका हेमलेट से ली गई लाइनें हैं, और इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ। हेमलेट द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स मास्टरपीस हेमलेट। हेमलेट जो है हीरो है शेक्सपियर के मास्टरपीस हेमलेट का। अटर्स दिस फेमस फ्रेज इन एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड, और जो ये फेमस स्पीच फ्रेज है ये एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में बोली जाती है। इनफैक्ट ही इज़ रिकॉलिंग द ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ हिज मदर। वास्तव में तो वह अपनी सुंदर जो उसकी ब्यूटीफुल मेमोरीज थी उसकी माँ के साथ, उनको रिमेम्बर कर रहा होता है, रिकॉल कर रहा होता है उसको। एंड डिजीज्ड फादर, और उनके जो मर्द पिता थे उनकी। ही मॉर्न्स डेथ ऑफ हिज फादर, वह अपने पिता की मौत पर विलाप करता है, रोता है। एंड चेंजिंग नेचर ऑफ वुमन, और औरत के बदलते जो नेचर होता है उसका बदलता हुआ उसको उस पर। रेफरिंग टू हिज मदर गर्ट्रूड, अपनी मदर गर्ट्रूड को वो रेफरिंग करता है इसमें। एज शी हैज़ मैरिड हिज अंकल क्लोडियस, जैसे कि वो जब वो अप उसके जो अंकल थे क्लोडियस उनसे शादी कर लेती है। ही सेज, तब वह कहता है फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमेन, तब वो लाइन बोलता है। ए लिटिल मंथ और एरे दो शूज वर ओल्ड विद विच शी फॉलोड माई पुअर फादर्स बॉडी। ये पूरी लाइन है उसके, यहाँ से आपके स्टार्ट होकर यहाँ पर ख़त्म होती है ये।
बाई वुमन ही रेफर्स गर्ट्रूड हु इज़ मॉरली वीक, और यहाँ पर वुमन के उससे वो रेफर करता है गर्ट्रूड को जो मॉरली वीक थी, बिकॉज शी हैज़ बीट्रेड हस्बैंड बाई मैरिंग हिज ब्रदर क्लॉडियस, क्योंकि उसने अपने उस जो अपने पति के भाई से शादी करके उन्हें धोखा दिया था, क्लॉडियस जस्ट आफ्टर ए मंथ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, और अपने पति की जस्ट डेथ के जस्ट कुछ मंथ आफ्टर ही उसने शादी कर लेती है वो अपने ही देवर से. ओके, तो हैमलेट दुखियों का ये स्पीच देता है. 24. द कोर्ट द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेंड इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. ऑकर सीन, ये जो कोर्ट है आपको बतानी है कहाँ से ली गई है, तो ये आपकी मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है, सी ऑप्शन सही है यहाँ. द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ये जो लाइनें हैं ऑकर्स इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइनें हैं. इट ऑकर्स फेयर पोर्शिया डिमांड्स शाइलॉक टू बी मर्सीफुल, ये तब की लाइनें हैं जब पोर्शिया डिमांड करती है शाइलॉक से टू बी मर्सीफुल, कि वो अपनी थोड़ी दया दिखाए. इट इज डिस्क्राइब्ड इन एक्ट फोर सीन फर्स्ट, एक्ट फोर और सीन फर्स्ट में ये वर्णित है. इन दिस वे, और इस प्रकार से पोर्शिया डायरेक्टली मेक्स एन अपील टू शाइलॉक, इस प्रकार से पोर्शिया शाइलॉक से एक डायरेक्ट अपील करती है टू लीव एंटोनियोस लाइफ, एंटोनियो की लाइफ को छोड़ने के लिए. ओके, सेइंग दैट, और ये कहती है कि एज वी ऑल प्रे एंड प्लीड टू गॉड फॉर मर्सी, जैसे कि हम गॉड से दया के लिए प्लीड करते हैं, प्रे करते हैं, प्रार्थना, टू बी मर्सीफुल, मर्सीफुल होने के लिए, एंड काइंड टुवर्ड्स अस, और हमारे प्रति थोड़ा दयालु होने के लिए. लाइक वाइज शाइलॉक शुड बी मर्सीफुल, उसी तरह से शाइलॉक को भी हमारे लिए दयावान और काइंड होना चाहिए. एंड ही विल गेट ए रिवार्ड फ्रॉम हिम. कोर्ट, लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड, एंड देयरफॉर इज विंग क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड. ऑकर सीन, ये लाइनें बतानी है आपको कहाँ से ली गई हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये भी. तो ये आपका मिडसमर नाइट्स ड्रीम से ली गई लाइनें हैं आपकी, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया वर्क है ये भी. द कोर्ट, लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड, एंड देयरफॉर इज विंग क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड्स. ऑकर सीन ए मिड समर नाइट स्ट्रीम. द मीनिंग ऑफ द अबव लाइन्स आर, और जो लाइन दी गई है इनका मीनिंग है, लव कैन मेक वर्थलेस थिंग्स ब्यूटीफुल, जो प्रेम होता है वो वर्थलेस थिंग्स यानी कि जो बेकार चीज़ें होती है उनको भी सुंदर बना देता है. व्हेन वी आर इन लव, जब हम प्यार में होते हैं, वी डोंट सी विद अवर आइज, तो हम अपनी आँखों से नहीं देखते बट विद अवर माइंड्स, बल्कि अपने दिल से और दिमाग से देखते हैं, मतलब जो आँखों से दिखाई देता है हम वो देख ही नहीं पाते. दैट इज़ वाई पेंटिंग ऑफ क्यूपिड द गॉड ऑफ लव, इसीलिए जो पेंटिंग है क्यूपिड की द गॉड ऑफ लव, वो प्रेम के देवता है. ऑलवेज शोज हिम एज ब्लाइंड, उनको हमेशा ही ब्लाइंड के रूप में ब्लाइंड दिखाया जाता है. इन दिस सोलोलोक्यू, और जो सोलोलोक्यू था, हेलेना पोंडर्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ लव. जो हेलेना होती है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, वो प्रेम की जो ट्रांसफॉर्मिंग पावर थी उसके बारे में बात करती है. द लव सिक हेलेना वॉज एबंडन्ड बाई हर बीलव्ड डेमेट्रियस, और जो प्रेम में पड़ी हुई हेलेना होती है वो उसके बीलव्ड यानी कि जो उसका प्रेमी होता है डेमेट्रियस, उसके द्वारा उसको छोड़ दिया जाता है. बिकॉज ही लव्स द मोर अट्रैक्टिव हर्मिया, क्योंकि वो मोस्ट उससे भी अट्रैक्टिव ही हर्मिया उससे प्रेम करने लगता है. नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज द मेलनकोली मैन एंड एज़ यू लाइक इट. एज़ यू लाइक इट में मेलनकोली के रूप में किसको माना जाना जाता है, तो ये आपका जैकवस को जाना जाता है इसके मेलनकोली के रूप में. जैकवस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टॉक फिगर इन एलिजाबेथन कॉमेडी, द मैन पोजेस्ड ऑफ ए होपलेसली मेलनकोली डिस्पोजिशन. तो जैकवस था. ओके, नेक्स्ट, हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज. किसने कहा था कि शेक्सपियर की अपने कॉमेडीज में उसकी हीरोइंस हैं, केवल हीरो नहीं है. तो ये जॉन रस्किन की लाइनें हैं, जॉन रस्किन ने ऐसा बोला था. जॉन रस्किन ने कहा था कि शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज. शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज एंड सैड रस्किन, ही हैज़ ओनली हीरोइंस. दिस इज स्कार्सली ट्रू ऑफ द होल कॉर्प्स ऑफ हिज वर्क्स. और जो ये स्कार्सली मतलब बहुत मुश्किल से इनके जो वर्क थे उनकी पूरे के पूरे संग्रह में बहुत मुश्किल से इनके कोई हीरो मिलता है. बट इट कम्स क्लोज टू द ट्रूथ ऑफ द कॉमेडीज. दियर वर्ल्ड इज ए फेमाइन वन, इनकी जो पूरी दुनिया थी वो फेमाइन वन थी, इनकी स्त्री पर ही बेस्ड थी इंस्टेड ऑफ एग्रेसिवली वराइल.
वरैल बोलते हैं बहादुर को, उसकी अपेक्षा मतलब स्त्री वाली इनकी वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया हुआ था अपनी कॉमेडीज़ में। ओके नेक्स्ट 28 शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इज सम प्लेस, चूज द राइट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 28 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी होगा, हॉलनिशद क्रॉनिकल्स, इससे लिया गया है मतलब शेक्सपियर ने जो इनडेप्ट किया है, लिए गए हैं जो सोर्स उसके सब्जेक्ट मैटर्स के बहुत कई कुछ प्ले हैं उनके सम प्लेस जिनकी उन्होंने हॉलनिशद के क्रॉनिकल से लिए गए हैं उनके सब्जेक्ट सारे। ओके हॉलनिशद क्रॉनिकल्स ऑल्सो नोन एज हॉलनिशद क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, इसके नाम से जाना जाता है स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, इज ए कलेक्टिव वर्क पब्लिश्ड इन सेवरल वॉल्यूम्स एंड टू एडिशंस, ये सेवरल वॉल्यूम्स और टू एडिशन में पब्लिश हुआ था, द फर्स्ट इन 1577 एंड सेकेंड इन 1587, फर्स्ट 1577 में और सेकेंड 1587 में हुआ था। अदर फैक्ट्स देखिए, शेक्सपियर यूज्ड द रिवाइज्ड सेकेंड एडिशन ऑफ द क्रॉनिकल्स एज द सोर्स फॉर मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री प्लेस, द प्लॉट ऑफ मैकबेथ एंड पोर्शन ऑफ किंग लियर एंड सिम्बलाइन, शेक्सपियर ने सेकेंड एडिशन में रिवाइज किया करते थे उसको क्रॉनिकल्स जो कर्म था उनका, द एज अ सोर्स फॉर मोस्ट ऑफ हिज हिस्ट्री प्लेस, उनके जो हिस्ट्री प्लेस थे उनके लिए मोस्ट यूज़ करते थे, द प्लॉट ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की प्लेट प्लॉट जो था मैकबेथ का वो, किंग लियर का पोर्शन कुछ एंड सिम्बलाइन का, इनसे लिया गया है। नेक्स्ट विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो, मालवोलियो का कैरेक्टर कौन से प्ले में इनके देखने को मिलता है, तो ये 12th नाइट में मिलता है मालवोलियो, TGT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दट इन 12th नाइट शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो एज बींग एक्सेसिवली एरोगेंट एंड फुल ऑफ सेल्फ प्राइड, उसको बहुत ज़्यादा एरोगेंट यानी कि आक्रामक और घमंडी दिखाया गया है उसको। Overall, through Malvolio, Shakespeare intend to show that individual need to have a balanced sense of self-awareness. Malvolio की जो पूरा Malvolio का character था उसके through ये Shakespeare जो है intend इसको show करता है कि individual प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है balanced की balance करने की sense of self-awareness यानी कि खुद की जो उसकी जागरूकता है उसकी sense को balance करने की, to recognize their flaws और अपने जो दोष हैं उनको पहचानने की, and try to correct such flaws to do, और ऐसा करने से उनकी उसकी जो flaws थे यानी कि बुराई है वो सुधर सकती है। 12th नाइट इज़ ए कॉमेडी प्ले रिटन अराउंड 1601 से 2 के बीच में लिखी गई थी 12th नाइट जो कॉमेडी, और ये एक कॉमेडी थी, ये भी आपको याद रखना है कि कॉमेडी थी एक। 30 वीनस एंड एडोनिस इज ए पोएटिक कंपोजिशन ऑफ ए पोएट हु वॉज ए ड्रामेटिस्ट ऑल्सो, वीनस एंड एडोनिस जो है पोएटिक कंपोजिशन है एक इस कवि की, हु वॉज ए ड्रामेटिस्ट ऑल्सो, कौन से थे वो ड्रामेटिस्ट, तो ये शेक्सपियर थे आपके, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और TGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है इसका ये वाला, वीनस एंड एडोनिस इज ए पोएम कंपोज बाय विलियम शेक्सपियर इन 1592 to 1593। अदर फैक्ट्स देखिए, वीनस एंड एडोनिस वॉज एंटर्ड इन टू स्टेशनर्स रजिस्टर ऑन 18 April 1593, लेस दैन 2 months लेटर जो वीनस एंड एडोनिस थी एंटर होती है स्टेशनर के रजिस्टर में 18 April 1593 में, लेस दैन 2 months लेटर। द पोएम अपियर्ड इन ए क्वार्टर एडिशन, और ये क्वार्टर एडिशन में अपियर होती है, पब्लिश एंड प्रिंटेड बाई रिचर्ड फील्ड, और इसको पब्लिश और प्रिंट किया जाता है रिचर्ड फील्ड के द्वारा, ए स्ट्रॉटफोर्ड अपॉन एवन मैन एंड ए क्लोज कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर, जो शेक्सपियर के समकालीनी थे और इनके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट इन विच प्ले टू द फॉलोइंग लाइन्स ओकर्स, कौन से प्ले में इनकी लाइनें आती हैं, ये नीदर ए बोरोवर नोर ए लेंडर बी, फॉर लोन ऑफन यू लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड एंड बोरोविंग रिटर्न्स एंड एज ऑफ हस्बेंड्री। तो फ्रेंड्स ये आपकी जो लाइन है ये आपकी हेमलेट से ली गई है, हेमलेट से कोटेशन उठाई गई है, द अबोव लाइन्स वर्क ओकर्ड इन द फेमस प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर हेमलेट इन एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड लाइन 675 to 77। ओके और ये जो लाइनें हैं पोलोनियस के द्वारा बोली जाती हैं,
हु वॉज गिविंग एडवाइस टू हिज सन लेअर्टिस, जो अपने बेटे लेअर्टिस को एडवाइस दे रहा होता है जब वो अपने स्कूल जा रहा होता है बैक पेरिस। दिस सेइंग वॉज टेकन फ्रॉम ए सोलिलोक्वी बाय पॉलिनियस इन एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड। एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड में पॉलिनियस के द्वारा बोला गया सोलिलोक्वी है ये एक। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले फ्रॉम दोज गिवन, इसका बताना है कौन सा प्ले है ये, इस लाइन कौन सी प्ले से लाइनें ली गई हैं आपकी। फ्रॉम विच द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लाइफ लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद ए स्लीप। तो ये आपकी ऑप्शन नंबर ए सही है, द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट की लाइनें हैं ये आपकी। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंड विद ए स्लीप, क्या आपकी लाइन है शेक्सपियर की फेमस प्ले टेम्पेस्ट से ली गई है और एक्ट फोर और सीन फर्स्ट से, और लाइन की जो नंबर है वो 156 से 158 के बीच की लाइनें हैं ये। अदर फैक्ट्स, द कोट टेल्स अस दैट वी अल्टीमेटली ड्राइव मीनिंग इन आवर लाइफ्स फ्रॉम आवर ड्रीम्स एंड इमेजिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, शेक्सपियर, शेक्सपियर कौन थे, वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ लैटिन, न्यू ए लॉट ऑफ ग्रीक, हैड ए ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश, या फिर न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैड ए ग्रेट कमांड ऑन, हैड ए ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश। देखिए विलियम शेक्सपियर इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स प्रीएमिनेंट ड्रामेटिस्ट। विलियम शेक्सपियर को माना जाता है ग्रेटेस्ट राइटर हिस्ट्री में इंग्लिश लैंग्वेज की, और वर्ल्ड के प्रीएमिनेंट ड्रामेटिस्ट यानी कि प्रविख्यात ड्रामेटिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश एज ए लिटरेरी मीडियम वॉज अनफिक्स्ड इन स्ट्रक्चर एंड वोकेबुलरी इन कंपेरिजन टू ग्रीक एंड लैटिन। और जो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश थी लिटरेरी मीडियम के रूप में वॉज अनफिक्स्ड, वो अनफिक्स्ड थी इन स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर वोकेबुलरी में इन कंपेरिजन टू ग्रीक एंड लैटिन, ग्रीक और लैटिन की कंपेरिजन, ग्रीक और लैटिन की तुलना में। वैन विलियम शेक्सपियर, जब विलियम शेक्सपियर बिगिन करते हैं राइटिंग हिज प्लेस, अपने प्लेस लिखना, द इंग्लिश लैंग्वेज रैपिडली गोज टू हायर लेवल, जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो रैपिडली यानी कि बहुत तेज़ी से अपने हायर लेवल पर चली जाती है। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, देयर आर द वर्ड्स ऑफ बेन जॉनसन इन हिज पोएम्स, बेन जॉनसन के द्वारा लिखे गए वर्ड हैं स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर विलियम शेक्सपियर एंड वॉट वी हैथ लेफ्ट अस। विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखते हैं बेन जॉनसन ई वर्ल्ड वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फोर ग्रेट ट्रेजडीज ऑफ शेक्सपियर, कौन सा जो उसमें से ग्रुप है वो आपका शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजडी से, फोर ग्रेट ट्रेजडी से बिलोंग नहीं करता है। तो ये आपका ट्वेल्थ नाइट है, ये इनकी एक कॉमेडी है, बाकी तीन इनकी ग्रेट ट्रेजडी है, और जो फोर्थ ट्रेजडी है वो है आपकी मैकबेथ। ओके, इन द बो कोटेशन, सॉरी इन द बो क्वेश्चन, ट्वेल्थ नाइट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फोर ग्रेट ट्रेजडी ऑफ शेक्सपियर, इनफैक्ट इट इज़ ए कॉमेडी, वही मैंने आपको बताया अभी। द स्टोरी ऑफ द ट्वेल्थ नाइट वॉज सेट इन इलीरिया, लीरिया पर सेट हुई थी। इट वॉज एन एनिशेंट ट्रेन ऑफ वेस्टर्न बाल्कन्स हुज कोस्ट कवर्ड द कोस्ट ऑफ मॉडर्न डे स्लोवेनिया, क्रोशिया, मोंटेनेग्रो एंड अल्बानिया। ओके, 35, शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ था, तो ये थॉमस किड से हुआ था। शेक्सपियर्स मेन सोर्स ऑफ हैमलेट वॉज प्रोबेबली द थर्ड बुक ऑफ गेस्टा डेनोरम विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोरिया डैनिका बाई सेक्सो ग्रामेटिकस। हैमलेट का जो मेन सोर्स है वो थर्ड बुक है गेस्टा डेनोरम की, और जो सेक्सो ग्रामेटिकस के द्वारा लिखी गई है। द स्टोरी वॉज रिटोल्ड बाई फ्रेंकोइस टी बैले फॉरेस्ट इन हिस्टोरीज ट्रेजिक्विस। नेक्स्ट देखते हैं, द नेम ऑफ प्रोस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट इज, जो प्रोस्पेरो है उसकी बेटी का नाम क्या है टेम्पेस्ट में, तो ये थी मिरांडा, मिरांडा था उनका नाम।
मिरांडा इज द डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल कैरेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर द टेम्पेस्ट। ये एक प्रिंसिपल कैरेक्टर है टेम्पेस्ट का विलियम शेक्सपियर के। शी इज़ ओनली फीमेल कैरेक्टर टू अपियर ऑन द स्टेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले। ये केवल एक कैरेक्टर है जो पूरे प्ले के दौरान स्टेज पर अपियर होता है एंड इज़ ओनली वन ऑफ द थ्री वुमेन मैंशनड। और यहाँ केवल तीन ही जो वुमेंस थी वो मैंशन की गई थी। शी वॉज बैनिस्ड टू द आईलैंड अलॉन्ग विद हर फादर एट द एज ऑफ थ्री। और 3 साल की एज में उनको उनके पिता के साथ बैनिश कर दिया जाता है आईलैंड से। एंड इन द सब्सिक्वेंट 12 ईयर्स शी लिव्ड विद हर फादर एंड दियर स्लेव कैलिबन एज हर ओनली कंपनी। और 12 साल तक वो ऐसे ही रहती है अपने पिता के साथ और उनका एक दास होता है कैलिबन नौकर का उनके साथ। 37 देखिए द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबैथ इज। जो मैकबैथ का डोमिनेटिंग पैशन है वो क्या है, तो ये है आपका एम्बिशन। एम्बिशन था इस प्ले का पैशन जो था। ही हैड एम्बिशन इन हिज माइंड दैट वन डे ही वुड बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। जो मैकबैथ होता है उसके माइंड में बात होती कि वो एक दिन स्कॉटलैंड का राजा बन जाएगा। एंड फॉर द शेक ऑफ दैट और इसके लिए ही मर्डर्ड किंग डंकन टू टेक हिज प्लेस। और इसीलिए वह किंग डंकन को मार देता है उसकी जगह लेने के लिए। थ्रू आउट द प्ले ही इज़ पोर्ट्रेड एज एन एंटी हीरो। और पूरे प्ले के दौरान वह एक एंटी हीरो के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है उसको। इन 12th night ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद। तो ये वॉयलर डिस्क्यूस्ड एज सिजेरियो। वॉयलर से प्रेम करने लगती है ये जो सिजेरियो के रूप में डिस्क्यूस यानी कि भेस बदल कर रहता है। इन 12th night ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद वॉयला इन डिस्क्यूस्ड एज सिजेरियो। वोयला हु डिस्क्यूस्ड एज सिजेरियो वॉज ए यंग गर्ल। ये एक लड़की थी जो सिजेरियो के रूप में उसने अपना भेस बदल रखा था। नेक्स्ट देखिए वैन ओलिविया डिस्कवर्स दैट शी हैज़ एक्चुअली मैरिड यंग सेबेस्टियन वोयलास ट्विन शी क्विकली ट्रांसफर हर लव टू हिम। जब ओलिविया को पता चलता है कि वह एक्चुअली सेबेस्टियन से उसकी शादी हुई है वोयला का जो ट्विंस था शी क्विकली ट्रांसफर हर लव टू हिम। और वह तेजी अपने तुरंत ही प्रेम उसकी ओर कर बदल लेती है अपना। दियर वर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन दिस कॉमेडी प्ले। और इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। शाइलॉक इज ए कैरेक्टर इन। शाइलॉक कौन किस में कैरेक्टर है ये शाइलॉक, तो ये है आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस में देखने को मिलता है आपका। शाइलॉक इज ए फिक्शनल कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और शाइलॉक जो है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है शेक्सपियर के प्ले का। ए वेनेशियन जेविस मनी लैंडर। वो एक जेविस मनी लैंडर है शाइलॉक इन द शाइलॉक इज द प्लेस प्रिंसिपल एंटागोनिस्ट। और जो शाइलॉक है वह प्ले का प्रिंसिपल एंटागोनिस्ट है यानी कि बड़ा जो विलेन था वो। हिज डिफीट एंड कन्वर्जन टू क्रिश्चियन इनफॉर्म्स द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। और उसकी जो हार और कन्वर्जन होता है वह स्टोरी का क्लाइमैक्स फॉर्म्स करता है। ओके 40 question देखिए। शेक्सपियर हैज़ मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेस। शेक्सपियर अपने प्लेस में मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, तो ये हैं आपके ब्लैंक वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने मोस्टली ये वर्क्स में। द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेस इज़ वन ऑफ 3 forms प्रोज राइम्ड वर्ड्स एंड ब्लैंक वर्ड्स। इनको प्रोज राइम्ड वर्ड्स या फिर ब्लैंक वर्ड्स बोला जाता है। अदर फैक्ट्स ईच ऑफ विच ही यूज्ड टू अचीव स्पेसिफिक इफेक्ट। ईच ऑफ विच मतलब प्रत्येक जिसमें ही यूज टू अचीव स्पेसिफिक इफेक्ट जिसमें वो अचीव करना चाहता है स्पेसिफिक इफेक्ट। इट वॉज बिलीव्ड ऐसा माना जाता है कि दैट ही हैड मोस्टली यूज ब्लैंक वर्ड्स इन हिज प्लेस। तो वह अपने उन प्लेस में ब्लैंक वर्ड्स को ही मोस्टली यूज़ किया करते थे। शेक्सपियर राइट्स इधर इन ब्लैंक वर्ड्स या तो वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखते थे इन राइम्ड वर्ड्स या फिर प्रोज वर्ड्स। ओके या तो ब्लैंक वर्ड्स में लिखते थे इन राइम्ड वर्ड्स में या फिर प्रोज में। ब्लैंक वर्स इज अनराइम्ड। ब्लैंक वर्स जो होता है वो अनराइम्ड होता है बट यूज्ड ए रेगुलर पैटर्न ऑफ रिदम और मीटर। बट इसमें जो होता है रेगुलर पैटर्न और रिदम या मीटर यूज़ किया जाता है वैसे ये अनराइम होता है। इन इंग्लिश लैंग्वेज ब्लैंक वर्स इज आयम्बिक पेंटामीटर। और इंग्लिश लैंग्वेज में ये एक आयम्बिक पेंटामीटर होता है। पेंटामीटर मीन्स होता है देर आर फाइव
पोएटिक फीट, इसमें 5 पोएटिक फीट होते हैं। इन आयम्बिक पेंटामीटर ईच ऑफ दिस 5 फीट इज कंपोज ऑफ 2 सिलेबल्स, और जो 5 फीट होते हैं इनमें प्रत्येक को ईच ऑफ दिस इनमें से प्रत्येक जो होते हैं उसमें 2 सिलेबल्स होते हैं, कंपोज किए जाते हैं 2 सिलेबल्स। द फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड, द सेकेंड स्ट्रेस्ड, फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड होता है और सेकेंड होता है स्ट्रेस्ड। ओके तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके आज के 20 क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।